नमस्कार, आप जो रहा छो इंडिया न्यूज गुजरात, हूँ छु जय शर्मा। तो नजर करिए समाचार पर, महत्वपूर्ण समाचार वाराणसी थी। लखनऊ में एटीएस द्वारा बे आतंकवादियों की धरपकड़ करवामां आवी छे, त्यारबाद वाराणसी में पण हाई अलर्ट जाहिर करवामां आव्युं छे। वाराणसी की पीएम मोदी की मुलाकात ने ध्यान में राखीने मुख्य सचिव और पोलिस महानिर्देशक वाराणसी में पहले थी हाजर छे। आ दरमियान लखनऊ थी आतंकवादियों की धरपकड़ थवाना समाचार मळतानी साथे ज पोलिस वाराणसी में सक्रिय थी गई छे। दो आतंकियों को पकड़ने के बाद बनारस में भी पुलिस पूरी हाई अलर्ट पे है। बनारस के जिला प्रशासन पूरा हाई अलर्ट पे है। ये आपको बता दूं, मैं बनारस के गदोलिया चौराहे पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं चाक चौबंद व्यवस्था से लगे हैं, और हर आने जाने वालों पे जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पर नजर बनाई जा रही है, और एकदम हाई अलर्ट पे किया गया है। जैसा आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बनारस का प्रस्तावित जो है यात्रा का कार्यक्रम बना हुआ है, उसको देखते हुए शहर में प्रदेश के मुख्य सचिव के समेत पुलिस महानिदेशक भी वाराणसी में ही हैं और अधिकारियों के संग बात कर रहे हैं कि इस बीच लखनऊ से एटीएस द्वारा दो आतंकियों को पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। उसको देखते हुए बनारस में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, और बनारस में गदोलिया चौराहे पर आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है पूरा चाक चौबंद व्यवस्था से एकदम चप्पे चप्पे पे नजर बनाया हुआ है। आप देखिए इधर भी पुलिस लगी हुई है, और उधर आगे चौराहे पे भी जो पुलिस की जो पीसी की बस लगी हुई है, काफी मात्रा में सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। खुशहाल जिंदगियों को नरक बनाने का एक और मंसूबा यूपी एटीएस ने फेल कर दिया है। पूरी तरीके से दुबग्गे इलाके में पुलिस यूपी एटीएस ने एक घर पे छापा मारा, जिसमें उनका कहना है कि 7 से 8 संदिग्ध लोग वहाँ थे, जो प्रेशर कुकर बम और देशी और जो विदेशी रिवॉल्वर पिस्टल्स हैं, हथियार हैं, वो उनके पास हैं। आपको बता दें कि उन लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है, 4 फरार हैं। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि मलिहाबाद से एक आतंकी और पकड़ा गया है, जो कि संदिग्ध बताया जा रहा है। इसलिए लखनऊ कमिश्नरेट के अड़ोस पड़ोस के 5 जिले जो कि हरदोई, उन्नाव, सीतापुर और बाराबंकी हैं, उन पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, हम इस चौराहे पे हैं जो हरदोई का व्यस्तम चौराहा है, और इधर हरदोई से सीतापुर और बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर जाने की सभी सड़कें हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस का कोई भी अधिकारी या कोई भी सिपाही दिख नहीं रहा है, 1-2 लोगों को छोड़कर। आपको बता दें कि ये मंसूबा चूंकि यूपी एटीएस का है, सरकार का मामला है, आतंकियों का मामला है, हो सकता है कि पुलिस इसमें पूरी संयमता रखकर इसको गोपनीय ढंग से इस कार्य को अंजाम दे रही हो। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, हरदोई।